आप देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीकानेर राजस्थान से श्री महेंद्र ये पॉली हाउस के खेती करना चाहते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्या विशेष जानकारी की जरूरत है और फिर देते हैं इनके सवाल का उत्तर। हेलो महेंद्र जी, बात कर रहे हैं जी? मैं ग्रीन टीवी से बोल रहा हूँ। नमस्ते महेंद्र जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर। आप पॉली हाउस करना चाहते हैं खेती, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि ये अगर वहाँ पे अगर पॉली हाउस हम अगर लगाना चाहें, और दूसरी चीज की उसमें हम कौन सी क्रॉप्स और वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, और कौन कौन सी कंपनीज है जो ये पॉली हाउस एस्टेब्लिश करके देती है। अच्छा महेंद्र जी, एक तो ये है कि आप पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बीकानेर का इलाका है वो जहाँ सर्दी भी बहुत अधिक होती है और गर्मी भी बहुत अधिक होती है। राइट राइट। तो पॉली हाउस एक संरक्षित खेती है और इसमें आप ढंग से खेती कर सकेंगे, खास करके सब्जियों की या फूलों की। लेकिन जब ये खेती करते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो कि जो भी हम लगाएंगे उसका बाज़ार क्या है। तो खीरा बहुत कामयाब है जो आप लगा सकते हैं, उसके बाद टमाटर है, चेरी टमाटर, वो आप लगा सकते हैं, छोटे टमाटर, दूसरे टमाटर, इनको थोड़ा बांध के लगाएंगे तो अच्छी उपज देते हैं। फूल अगर करना चाहें तो फूल भी कर सकते हैं, शिमला मिर्च करना चाहें तो वो भी हो सकती है। तो चूंकि संरक्षित खेती है इसलिए हम अधिक उपज देने वाली और ज़्यादा कीमती सब्जियां लगाएंगे तो लाभ होगा। और बीकानेर में हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है कृषि विभाग का, सरकार का, उनसे संपर्क करें तो वो आपको बताएंगे कि आपका इसमें वो कितना अनुदान दे सकते हैं और किस साइज़ का आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि कितनी कीमत लगेगी ये उस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का पॉली हाउस लगाना चाहते हैं। बहुत तकनीकी दृष्टि से हाईटेक पॉली हाउस भी लग रहे हैं और साधारण पॉली हाउस भी लग रहे हैं, और आपके यहाँ आंधी तूफान भी ज़्यादा चलता है, रेत के अंधड़ आते हैं, तो मजबूती से चूंकि खड़ा करना है तो उसमें जहाँ दूसरे पॉली हाउस बनते हैं उनसे थोड़ा पैसा ज़्यादा ही लगे, क्योंकि आपको फ्रेम अच्छी लगानी पड़ेगी ताकि ये उखड़ नहीं जाए। तो इनका अगर आप एक एकड़ का खर्चा देखेंगे तो 30-40 लाख के करीब इसका खर्चा आ जाता है, अगर एक एकड़ का पॉली हाउस बनाना है तो। तो वहाँ सही माने में कितना लगेगा ये जो कंपनियां हैं वहाँ आके देखेंगी तो वो एक अनुमान देंगी। उससे पहले आप उद्यान अधिकारी से मिल लें कि क्या योजनाएं हैं सरकार की और आपको वहाँ उसमें कितना अनुदान मिल सकता है, आपकी पात्रता क्या है, क्योंकि अलग अलग पात्रता के हिसाब से भी अनुदान है। अगर आप नेट पे देखेंगे तो आपको कई कंपनियां मिलेंगी जो ये काम करती हैं, लेकिन अगर आप अनुदान लेना चाहते हैं तो उद्यान अधिकारी से पूछें कि उनकी पैनल पे कौन कौन सी कंपनी है जिनसे अगर आप लेंगे तो आपको अनुदान मिलेगा या सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप बैंक से संपर्क करेंगे तो आप कुछ बैंक लोन भी ले सकते हैं, आपको कुछ पैसा लगाना है, कुछ सब्सिडी का मिलेगा और कुछ अनुदान मिलेगा, इस तरह से आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये ग्रीन टीवी को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा, मतलब फार्मर्स सप्लीमेंट के लिए आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके वजह से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम किसानों को सही सेवा दे सकें, सही जानकारी दे सकें। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।